बैक माय डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 2x² + 3x + 1 = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, साथ ये कहता है कि जब अल्फा बीटा ये रूट्स है, अल्फा बीटा ये रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या इस इक्वेशन का, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ और इसका वैल्यू फाइंड करें, यानी अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इसका वैल्यू फाइंड करें। सॉल्यूशन, जो हमारे साथ जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² + 3x + 1 = 0, ये हमारे साथ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए, ये हमारे साथ क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म, कांस्टेंट टर्म। जो x² जो कोएफिशिएंट है हमारे साथ क्या है, 2, और जो हमारे साथ x का जो कोएफिशिएंट है हमारे साथ क्या है, 3, और c का जो कोएफिशिएंट है यानी जो कांस्टेंट टर्म है उसका जो 1 इसका कोएफिशिएंट है। ठीक है, फिर देखिए माय डियर स्टूडेंट, हमने जो सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सारे चैप्टर में हमने ये दो फॉर्मूले पढ़े थे, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इस पर फॉर्मूले के ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते हैं। आइए, सम ऑफ द रूट्स जो फॉर्मूला है हमारे साथ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, ये हमारे साथ सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला है, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जो हमारे साथ बी किसके बराबर है, 3 का माइनस, और बी हमारे साथ किसके बराबर है, 3 का यानी 3, और डिवाइडेड बाय जो ए हमारे साथ 2 का बराबर है, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। हमने सम ऑफ जो सम ऑफ द रूट्स हमने फाइंड किया, ये हमारे साथ सम ऑफ द रूट्स फाइंड किया। ठीक है, ये सम ऑफ द रूट्स, फिर हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं। जो हमारे साथ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला है हमारे साथ, यानी अल्फा जरबे बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए, अल्फा जरबे बीटा इज इक्वल टू सी हमारे साथ किस का बराबर है, 1 का, और ए हमारे साथ 2 का बराबर, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड सम ऑफ द रूट्स हमने दोनों पॉइंट किए, फिर हम इस क्वाड्रेटिक इसका जो वैल्यू फाइंड करना है, अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इसका वैल्यू फाइंड करना है। हमारे साथ जो गिवन दिया है, गेवन हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ गेवन है। यानी अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, देखिए यहाँ हमारे साथ प्लस है, हम इस दोनों का एलसीएम लेना होगा। इसका एलसीएम अल्फा और बीटा एलसीएम होगा। फिर हम क्या करते हैं,
ये इसके साथ कैंसल हो जाता है, यानी अल्फा बीटा है, बीटा बीटा के साथ कैंसल हो जाएगा इस तरह। यानी यहाँ हमारे साथ क्या है, ये देखिए और ये देखिए, यानी हमारे साथ बीटा है और फिर हमारे साथ क्या है, क्या है अल्फा और बीटा है, यानी इस पर ये डिवाइड है। ठीक है, ये बीटा बीटा के साथ कैंसल हो जाएगा, ये बीटा बीटा के साथ कैंसल हो जाएगा। यहाँ आइए, यह अल्फा है, अल्फा और अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा अल्फा स्क्वायर होगा, अल्फा स्क्वायर। इस तरह यह भी देखिए, यह क्या है अल्फा है यानी अल्फा, और फिर यह क्या है यानी अल्फा और बीटा। ये अल्फा अल्फा के साथ कैंसल हो जाएगा, यानी अल्फा अल्फा के साथ कैंसल हो जाएगा, बीटा बीटा के साथ ज़रब होगा, हमारे साथ बीटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ हम क्या करते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हम एक बार प्लस टू अल्फा बीटा लिखते हैं और एक बार माइनस टू अल्फा बीटा लिखते हैं। हमने क्यों लिख लिया, हम इसलिए लिख लिया कि जब हम ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि जब हम ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाती है फिर ही टर्म रह जाता है, यानी जो जो पहला जो टर्म है इस पर कोई असर नहीं पड़ता, ये हम कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, यह देखिए है क्या है हमारे साथ अल्फा बीटा है। माय डियर स्टूडेंट, ये देखिए ये हमारे साथ एक फॉर्मूला बन गया, ये एक ई फॉर्मूला है, यह आइए ये फॉर्मूला है हमारे साथ। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी, ये फॉर्मूला है। ए की जगह हमारे साथ क्या है अल्फा है, प्लस बी की जगह हमारे साथ क्या है बीटा है, यानी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह हमारे साथ क्या है अल्फा है और स्क्वायर प्लस बी की जगह हमारे साथ बीटा है, स्क्वायर प्लस टू पर मूल्य वाला ए की जगह हमारे साथ अल्फा और बी की जगह हमारे साथ बीटा। देखिए ये टर्म देखिए और ये भी देखिए, सेम है, बिल्कुल सेम है, और ये हम इसी तरह लिख सकता है, जी हाँ ये लिख सकता है, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, माइनस टू अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। यह गौर से देखिए, ये और ये और ये क्या है, ये हमारे साथ सम ऑफ द रूट्स है, और ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, और ये भी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। हम जानते हैं कि हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट एंड सम ऑफ द रूट दोनों पॉइंट किए, ये क्या है सम ऑफ द रूट्स है और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, ये सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम इस में पुट कर लेना होगा। देखिए है पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू, यानी सम ऑफ द रूट्स किस के बराबर है हमारे साथ, सम ऑफ द रूट्स माइनस थ्री डिवाइड बाई टू के बराबर है, यानी माइनस थ्री डिवाइड बाई टू और होल स्क्वायर, ये हमारे साथ क्या है स्क्वायर है। और यहाँ देखिए ये माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के बराबर है वन डिवाइड बाई टू का माइन टू ए, और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वन डिवाइडेड बाय टू डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वन डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, हमने ये सारा सॉल्व किया, यहां आइए माइनस थ्री टू के साथ मल्टीप्लाई करें, हमारे साथ क्या जाता है
सेक्स सॉरी माइनस थ्री यानी माइनस थ्री जर भी माइनस थ्री माइनस जर भी माइनस और थ्री थ्री जर नाइन हमारे साथ नाइन आ जाता है प्लस नाइन आ जाता है डिवाइडेड बाय इसके और टू क्या भी है टू टू जर फोर माइनस टू वन जर टू टू वन जर टू और टू ए डिवाइडेड बाय वन डिवाइड बाय टू वन डिवाइड बाय टू ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है यहाँ नाइन डिवाइडेड बाय फोर और माइनस वन और डिवाइडेड बाय वन डिवाइड बाय टू ये रह जाता है फिर एलसीएम लेना होगा इस टर्म का यह हमारे साथ वन है इसका फोर एलसीएम होगा फोर एलसीएम फोर फोर के साथ कट हो जाएगा और वन और फोर फोर के साथ वन कट हो जाएगा और वन नाइन के साथ मल्टीप्लाई होगा नाइन और माइनस नाइन वन के साथ क्या होगा तकसीम होगा वो फोर होगा फोर वन के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे साथ फोर होगा फिर हमारे साथ वन ये वन डिवाइड बाई टू होगा फिर आइए फोर नाइन से हम फोर निकाले फाइव रह जाता है यानी फाइव और डिवाइडेड बाय फोर और फिर वन डिवाइड बाय टू आ जाता है वन डिवाइडेड बाय टू ठीक है वन डिवाइडेड बाय टू यहाँ आइए फाइव डिवाइडेड बाय फोर और फिर हमारे साथ वन डिवाइडेड बाय टू वन डिवाइडेड बाय टू देखिए ये हम ऐसा ले सकते हैं कि फाइव डिवाइडेड बाय फोर तकसीमें हालत में डिवाइड के फॉर्म में है और वन डिवाइड बाय टू वन डिवाइड बाय टू फिर हम ये मल्टीप्लीकेशन में चेंज करता है यानी फाइव डिवाइड बाय फोर मल्टीप्लाई बाय जब हम ये मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं टू ऊपर हो जाएगा यानी टू डिवाइड बाय वन वन नीचे आ जाएगा और फाइव टू के साथ मल्टीप्लाई होगा फाइव टू जर टेन और फोर वन के साथ फोर वन जर फोर ये कैसे हो जाता है टू टू जर फोर और टू फाइव जर टेन जो हमारे साथ जो वैल्यू है इसका जो वैल्यू है हमारे साथ किया जाता है और फाइव डिवाइड बाय टू यानी फाइव डिवाइड बाय ये इसका वैल्यू है यानी हमारे साथ जो अल्फा बीटा प्लस बीटा और अल्फा इसका जो वैल्यू हमारे साथ फाइव डिवाइडेड बाय टू ये इसका आंसर है।